नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। हर वो दफ्तर जहाँ 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ एक अंदरूनी शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या एसीसी होती है, जिसकी अध्यक्ष महिला होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत ऑफिस में इस समिति की स्थापना की जाती है। इस समिति में नामित सदस्यों में से आधी महिला होनी चाहिए। साथ ही इसमें एक सदस्य यौन हिंसा के मामलों पर काम करने वाली किसी एनजीओ की सदस्य होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपके साथ कार्यस्थल पर ऐसा कुछ भी हो रहा है या हुआ है, तो आप सबसे पहले अपने ऑफिस में बनी समिति में जा सकती या सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि इस समिति के दिशा निर्देश दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये एक्ट साल 2013 में बना, लेकिन इससे पहले दफ्तरों में यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए विशाखा गाइडलाइंस का पालन किया जाता था। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही इसके कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार 19(1)(g) के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। आखिर विशाखा गाइडलाइंस अस्तित्व में कैसे आया? राजस्थान में जयपुर के पास भातेरी गांव में रहने वाली सोशल वर्कर भवरी देवी इस पूरे मामले की केंद्र बिंदु रही। भवरी देवी राज्य सरकार की महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम करती थी। एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश के दौरान उनकी बड़ी जाति के कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई, जिसके बाद बड़ी जाति के लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़े पदों पर थे। न्याय पाने के लिए भवरी देवी ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, क्योंकि गांव पंचायत से लेकर पुलिस, डॉक्टर सभी ने भवरी देवी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। औरतें यौन शोषण पर इतना बोलने क्यों लगी हैं, भारत का महिला मीडिया कर्मियों ने कहा। हाज मी टू। भवरी देवी के खिलाफ हुए इस अन्याय ने बहुत से महिला समूहों और गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आने के लिए विवश कर दिया। कुछ गैर सरकारी संस्थानों ने मिलकर साल 1997 में विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस याचिका में भवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यौन उत्पीड़न को कुछ इस तरह परिभाषित किया। इसके तहत किसी भी तरह के गलत इशारे करना, गलत व्यवहार या टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने करने के लिए कहना। 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत आईपीसी की धारा 354, महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ी उत्पीड़न के मामले और 509 किसी औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात या हरकत के तहत दर्ज करवाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल के मालिक के लिए ये जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा महसूस ना हो, उसे कोई धमकाए नहीं। साल 1997 से लेकर 2013 तक दफ्तरों में विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर ही इन मामलों को देखा जाता रहा, लेकिन 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट में विशाखा गाइडलाइंस के अनुरूप ही कार्यस्थल में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसके साथ ही इसमें समानता, यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने का प्रावधान भी शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों की तरह की कार्रवाई का सहारा लेने का अधिकार है।